बताऊं, मैं बताऊं मेरे टाइम में कितनी मिलती थी, 1 रुपए की 5। मतलब अगर बहुत आसानी से आप पता कर लोगे कि कौन सी संख्या तो फिर मतलब लफू डाला। अरे वाह, आपका नाम क्या है मिस्टर गाइस सिद्दीकी? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ की वजह से। हाँ, आप लोगों को एक बात बतानी है, पता है क्या? आज मैं जा रही हूँ पॉडकास्ट करने, वो भी अरे ऐसे किसी और से तो नहीं कर सकते हैं, अभी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ पॉडकास्ट करूंगी और उनसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि मैं मम्मा डैडा से बहुत ज्यादा सवाल पूछती हूँ। मम्मा आपकी एज क्या है, मम्मा आपका ये क्या है, मम्मा आपका वो क्या है, तो मैं आज ही सारे क्वेश्चंस पूछ लूंगी और मम्मा डैडा दोनों तो बैठे ही हुए हैं साथ में, तो मजा आ जाएगा। बढ़िया सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये देखो पहले सवाल में कैसे हो, क्या हो? मुझे ना मेन मुद्दे पे आऊंगी पॉडकास्ट का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज है, मोहम्मद शाहनवाज। आपका नाम क्या है मिस्टर गाइसा सिद्दीकी? अभी नाम ले रही हूँ, खुद ही बता रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मम्मा और डैडा आप दोनों की एज में फर्क क्या है? मेरी और मम्मा की एज में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। अरे रहने दीजिए, आप लोग बता नहीं पा रहे। पहले मम्मा आप बताइए आपकी एज कितनी है? एज वेज वाला नहीं, देखो सस्ता पॉडकास्ट सस्ते में निपटा हुआ। आप बताएंगे, एज नहीं बताएंगे, ऐसा थोड़ी होता पॉडकास्ट है। जब क्वेश्चन पूछोगे सामने वाले को जवाब देना चाहिए था ना, जब इन्होंने नहीं देना तो मैं क्यों दूंगा जवाब? आगे आगे चीजों को जवाब नहीं बताऊंगा। आगे मेरी एज बहुत ज्यादा है, 50-60 होगी। अरे बापरे बाप, हाँ, लेकिन ये नहीं बता रही तो मैं एक्चुअली कैसे बता? 20-25 की जवान बनना चाह रही है मम्मा। चलो अच्छा, लेकिन एक चीज है मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे टाइम पे 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे तो काफी टाइम तक चला है, लेकिन जब मैं छोटा था तो 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे भी चलते थे। नहीं, रुपए तो चलते थे, 5 पैसे सबसे लो सबसे कम जो क्वाइन का मतलब जो करेंसी थी हमारे जब मेरे टाइम पे तो वो 5 पैसे थे। अच्छा, 5 पैसे 10 रुपए यही कर लो ना, क्या ये हमसे हम लोगों के टाइम का अपने आप लोगों को डिफरेंट भी पता चल जाएगा और क्या कहते हैं एज का भी पता चल जाएगा। हाँ तो तुम पूछो। मैं पूछू अच्छा ठीक है, मैं ये पूछती हूँ कि आपके जमाने में आप कौन सा कार्टून देखती थी, ये बताइए। अब ये तो सस्ता है तो अब सस्ती वाली चीजें पूछ रही हूँ। मेरे जमाने में देखो स्टार प्लस पे सोनपरी आता था और शकलका बूम बूम आता था। हाँ, दूरदर्शन की बात करें तो शक्तिमान जूनियर जी ये सब मैं देखती थी। अच्छा डैडा, मेरे टाइम टीवी देखी? अरे वाह, है तभी टीवी हुआ करती थी। हाँ, टीवी मतलब मेरे टाइम पे, लेकिन मैं पता है मैं बहुत बड़ा दिखूंगा अभी। मैं बताऊंगा ना तो लोग देखेंगे जो कहेंगे वाकई बहुत ज्यादा उम्र का बंदा है। मैं छोटा था, जब मैं छोटा था तो बहुत टाइम की बहुत पहले की बात है, मैं मेरे ख्याल से मेरी उम्र रही होगी 5-6 साल 7 साल इससे ज्यादा नहीं, 5 साल 4 साल बाद में बहुत हल्का हल्का सा याद है कि मेरे यहाँ एक महाजन हुआ करते थे। महाजन क्या होता है? अरे जिनके यहाँ से सब सामान वामान मिलता है घर का, महाजन होते थे। तो उनके यहाँ टीवी थी एक ब्लैक एंड व्हाइट बहुत छोटी सी, उस पे आता था रामायण। रामायण महाभारत देखते थे आप? हाँ, तो रामायण आता था, बहुत क्रेज हुआ करता था, तो सारे गांव के लोग जाकर रामायण देखा करते। सही बोल रहे, तुम्हारे टीवी नहीं थी। सही बोली। हाँ हाँ, मेरे घर पे टीवी नहीं थी, बाद में आई। तो और कार्टून की जो मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो जब मैं घर पर टीवी आई है तो सिर्फ दूरदर्शन चला करता था, DD1। वो दूरदर्शन होता था, वो गवर्नमेंट का जो DD1 मेरे टाइम में पहले DD1 था, उसके अंदर कार्टून आता था। एक आता था सिंधबाद जहाजी आता था, और एक आता था क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, डायनासोर, दानासुर, छिपकली के नाना है
छिपकली के हैं ससुर दानासुर 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 की बात कर रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कभी YouTube पर देखना दिख जाएगा अगर ढूंढोगे। मैं नहीं जानती। और आता था सिंधबाद जहाजी होता था और क्या आता था और तो बस यही दो कार्टून होते थे। इसको बंद करिए अच्छा गुस्सा के ऊपर से गया आपका। हां मेरा सही था ना? आपका सही था। अच्छा अब आप बताइए कि आप गेम क्या खेलती थी। मैं जानबूझ के बोले क्योंकि मैं कभी बोलती कि मम्मा आपके जमाने में मतलब पुराने जमाने में तो मम्मा भड़क जाती है। नहीं हम लोग आउटडोर खेलते थे वो लगा के साथ वो लगा के। पर मम्मा आपने तो बताया था आप मारियो खेलती थी। हाँ वो इंडोर वाला गेम है। आउटडोर वाला तो बहुत आउटडोर गेम हम लोग पहले ज्यादा खेलते थे। इसके लिए हम मार भी खा जाते थे आउटडोर गेम के लिए। अब माँ बाप कहते हैं बच्चे बाहर जाके खेलो अगर पुराने टीवी मत देखो लेकिन हम लोगों के लिए बाहर से खींच के हम लोगों को अंदर लाया जाता तो इनका तो ये बताया कि पहले मैं बता देती हूँ आउटडोर में खेलते थे। इंडोर में मारियो सुपर मारियो आता था और उसमें कई चीजें थी ना तो फिर सब कुछ खेलते थे। वो बंदूक रहती थी उससे वो डक निकलती थी डक मारते थे हम लोग। और वो छोटा सा एक हुआ था पानी के अंदर वो रहता था उसमें छोटी छोटी सी रिंग रही थी उसको दबाते थे तो वो ऐसे से उछल उछल वो मेले में मिला करती थी गांव के मेले में आती थी और वो उससे वो और वो गेम वाला एक आता था इतना बड़ा गेम ओवर लिखा रहता था उसके अंदर गेम ओवर लिखा था उसके अंदर गाड़ियां चलती थी और वो फाइटिंग वाला भी। मेरे टाइम का ये अब इनके टाइम वो मेरे टाइम में भी वही था लेकिन आउटडोर गेम तो हम लोग बहुत खेला। हमें अगर आउटडोर गेम का पता है पुराने जमाने का मम्मा के और डैडा के जमाने का तो हम लोग खेलते थे कबड्डी खेलते थे और क्या कहते हैं तितली में तूल खेलते थे। हमारे लोकल खेल था एक गोला बनाते थे और उसके अंदर सब लोग आ जाते थे और एक रहता था जो मतलब उसको चोर बोलते थे ठीक है ना तो वो बाहर होता था उस गोले के बाहर होता था। मैंने भी आपके गांव में खेला। वो बाहर होता था और उसमें हम लोग बोलते थे तितली में तूल भाई तितली में तूल कहाँ की तितली कहाँ का तूल राजापुर की तितली राजापुर का तूल मतलब ऐसे ही होता था। भूल चुका हूँ कौन सा खेल पता नहीं। फिर उसके बाद जो जिसका नाम वो ले बाहर वाला तो उसको घूसों से मारते थे। हाँ उसको हम लोग बहुत मजबूत होते थे फिट होते थे। अभी बच्चों को मारो तो घर वाले पहुंच जाए बच्चे को लेकर मेरे बच्चे वो खेल खेलते थे। और एक होता था वो लप्पू डाला हाँ वो क्या कहते हैं पेड़ होते थे इतनी बड़ी छड़ी होती थी उसको उठा के पैर से ऐसे करके फेंक देते थे। जब वो जाता था लेके आता था तब तक हम लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे और उसके बाद क्या कहते हैं उसको वो टच ना कर पाए उससे पहले कूद के उसको चूमना पड़ता था उस छड़ी को तो हम लोग पेड़ से कूद जाया करते थे उस छड़ी को चूमने के चक्कर में। कितने मेरे जान पहचान के दोस्त मेरे बचपन के जिनके किसी का हाथ टूट गया किसी का पैर टूट गया ऐसे खेल भी खेले मार खाते थे घर पे अगर पता चल जाता था खेल ले तो घर पे भी पिटाई भी होती। मम्मा के जमाने का अगर मैं गेम सुनती हूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगता लेकिन जब डैडा के जमाने का सुन रही हूँ अरे बाप रे बाप पहली बार गेम का नाम सुन रहा है। अगर मैं आउटडोर खेलती हूँ तो रंग भरी बाल्टी कौन सा रंग ये खेलती हूँ या फिर छुपन छुपाई छुपन छुपाई छुपन बस यही सब मैं खेलती हूँ। आउटडोर तो होता ही है टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाई से तो खेलूंगी कैसे। इनका रोना घूम फिर के वही आता आगे बढ़ाओ पॉडकास्ट कर रहे हो रोना मत गाओ। तो हाँ मेरी फेवरेट चीज पानी फुल्की आपके जमाने में कितने की मिलती थी। हाँ मेरे टाइम पानी फुल्की हाँ पानी पूरी मेरे टाइम पर एक रुपए की एक मिलती थी। एक रुपए की मतलब 10 रुपए फिर उसके बाद कुछ दिन बाद थोड़ा सा जैसे पड़ता गया ना तो 5 की 4 मिलने लगी। वो तो आज भी 10 की 4 5 मिलती है ना। नहीं 10 की 4 मिलती है 10 की 4 अच्छी जगह जाओ तो 10 की 2 मिलती है और ठेले वाले से बोलो 10 की 4 मैं बताऊं मेरे टाइम में कितनी मिलती थी 1 रुपए की 5 मतलब अगर गाइस बहुत आसानी से आप लोग पता कर लोगे कि कौन सा संकीम की तो फिर बताइए अगर हम लोग 10 रुपए का पानी 10 रुपए दे ठेले वाले को तो कितने का मिलेगा। 10 रुपए की 50 बाजार जाते थे तो 1 रुपए की पानी पूरी मिलती थी उसके 5 मिलती थी 5 खाते थे फिर 1 सूखी भी खाते थे तो 6 हो जाती थी ठीक है ना 1 रुपए की। और 2 रुपए की टिक्की वाली चाट मिलती थी जो टिकिया होती है और क्या कहते हैं 1 रुपए की वो टमाटर वाली चाट मिलती थी जो सिर्फ मटर मटर 5 रुपए की मेरे टाइम पे मिलती थी टमाटर वाली। और मेरे मुझे एक सर पढ़ाते थे मुमताज सर आजमी नाम उनका तो वो एक बार पढ़ाते उन्होंने सर आपके टाइम पर चाट कितने की कहने लगे 5 पैसे की हम लोग दोनों भर चाट खाते थे 5 पैसे की हाँ तो फिर वो तो
उनकी उम्र रही होगी ना, मैं बता रहा हूँ, एक रुपए की मैं भी पढ़ रही थी, एक रुपए की मैं चाट खाता था, एक रुपए की पांच मैंने सोचा बाप रे उसी टाइम। और अगर आपको मुरमुरा, जो मुरमुरा भेलपुरी ये सब मिलता, ये सब जानते नहीं, ये सब गांव में नहीं मिलता था। चाउमीन मैं जब स्कूल तक मुझे नहीं पता था कि पिज्जा क्या होता है, स्कूल तक मुझे नहीं पता था पाव भाजी क्या होता है। इवन सुनो, जब मैं ट्वेल्थ मैंने अपने मैं गांव में रहकर मैंने किया है, फिर उसके बाद जब मैं शहर गया हूँ तो मुझे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जब तब मुझे पता चला है कि बिरयानी कोई चीज होती है, मुझे बिरयानी भी लिटरली सही बता रहा हूँ, मुझे बिरयानी भी नहीं पता था, और पिज्जा और ये सब तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद बहुत। लेकिन एक बात बताऊँ, हम लोग तब पिज्जा का क्रेज नहीं था, मेरे टाइम में बिरयानी हुआ करता था, सब जानते थे, लेकिन इनके टाइम पे और भी इंटरेस्टिंग चीज बनती थी। कभी कभी ये बताते क्या बनता था, ठोकवा बनता था, गाँव वो मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं है कि ठोकवा किससे बनता था, मेरे ख्याल से बाजरे की उससे बनता था, वो तिल्ली चपटाई रोटी, तिल्ली चपटाई रोटी वो मेरे गांव का, बेसन की रोटी देखी। दूसरी जगह मुझे नहीं पता कि कहाँ बनता है या नहीं बनता है, मेरे गांव में अब तो नहीं बनता है, पहले बनती थी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां होती थी, इतनी बड़ी जितनी बड़ी बता रहा हूँ, और बिल्कुल पतली होती थी, बिल्कुल पतली, उसके ऊपर तिल लगे हुए होते थे और वो उसपे चिपटा देते थे, इसीलिए उसका नाम पड़े तिल्ली चपटाई रोटी। और वो उसमें बाजरे की भी बनती थी, चावल की भी बनती थी, बेसन की भी बनती थी, मेरे ख्याल से ऐसी करके बनती थी, मैं छोटा था तो लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा हुआ कि कौन से सन के हैं। मैं बता रहा हूँ पहले से 50-60 साल।